हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन कवर करेंगे और अर्थमेटिक में हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम का मतलब दोस्तों संख्या पद्धति होता है। नंबर सिस्टम में हम लोग पहला पार्ट इसे टाइप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप वाइज इसमें हम LCM, SCF, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो गया और वर्गमूल और घनमूल, ये सब कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले टाइप पर चलते हैं नंबर सिस्टम में। दोस्तों टाइप वन है हमारा संख्याओं के, टाइप वन है दोस्तों संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, दोस्तों संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इसमें, इसके लिए हमें दो सूत्रों का उपयोग हमें अच्छी तरह से आना जरूरी है। दोस्तों ये दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू टी। ठीक है दोस्तों, देखिए Tn का मतलब होता है दोस्तों यनवा पद, और ए का मतलब दोस्तों होता है प्रथम पद। ए का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रथम पद। और एन का मतलब दोस्तों होता है टोटल नंबर, मतलब पूरी संख्या जितना है। और एन का मतलब दोस्तों सार्वंतर होता है, इसे सार्वंतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें 1, 2, 3, 4, 5 20 तक के पदों का योग बताइए। दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका हम सार्वांतर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक आएगा हर जगह पर, एक यानी 2 - 1 करेंगे दोस्तों एक आएगा। हम 3 - 2 करें तो एक आएगा, 4 - 3 करें तो एक आएगा। यानी कि दो पदों का अंतर दोस्तों क्या होता है, इसमें एक हो जाएगा, यानी कि समान अंतर होगा। अगर यही सीरीज 2, 4, 6 की रहे तो दो, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 का अंतर है। यानी कि सार्वंतर का मतलब होता है दोस्तों समान अंतर हो। और एन का मतलब दोस्तों टोटल नंबर कितने हैं उसे शो करता है। और Tn का मतलब दोस्तों होता है दोस्तों यनवा पद। और A का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रथम पद A होता है। जैसे इसमें प्रथम पद क्या है दोस्तों? 1 है। ठीक है तो दोस्तों यह तो हो गया Tn वाला फार्मूला। एक और होता है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा दोनों फार्मूलों को, L बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोस्तों यह भी होता है एक फार्मूला। तो Tn के स्थान पर दोस्तों हम L रख देंगे। L का मतलब क्या होता है दोस्तों? लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। L का मतलब दोस्तों क्या होता है? अंतिम पद। और सब बाकी सब सेम है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन दो फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके मदद से हम अंतिम पद और ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, पूरे पदों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसकी मदद से हम पूरे पदों की संख्या ज्ञात करेंगे और अंतिम पद ज्ञात करेंगे। और इसके बाद एक और सूत्र है दोस्तों, SCN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, एक और दोस्तों सूत्र है SCN बराबर n/2 इंटू l+a। ठीक है दोस्तों, ये दो सूत्र हैं। तो SCN का मतलब दोस्तों क्या होता है? योग, पूरी संख्याओं का योग। SCN का मतलब दोस्तों, SCN का मतलब क्या होता है? पूरे संख्याओं का योग। यानी कि जैसे मान लीजिए दिया है 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे करके, तो वहाँ पर हम SCN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। या फिर इसकी जगह पर हम SCN बराबर n/2 इंटू l+a का यूज भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, l बराबर क्या होता है? इसी वाले में l बराबर अगर हम यह रख दें यहाँ पर, फार्मूला यहाँ पर हम बताए थे आपको, अगर इसको हम रख दें यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी, और दोस्तों प्लस a है ही, तो दोस्तों इन दोनों को a और a को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2a हो जाएगा। तो सेम ही फार्मूला दोनों ही है दोस्तों, सेम फार्मूला है। आपको बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, दोनों सेम फार्मूला है। ठीक है,
दोस्तों आपको पता चल गया एस एन क्या होता है दोस्तों, योग होता है। तो आप इन दोनों फार्मूलों तीनों फार्मूलों को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम सवाल पर चलेंगे और इसे आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन यह रहा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 60 यानी 1 2 3 4 5 और 60 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी कि यह कॉन्जुगेटिव टर्म है, मतलब दोस्तों यह क्रमशः समानांतर पर है। देखिए अगर यहाँ पर हम सार्वान्तर डी निकालें दोस्तों, सार्वान्तर डी निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 2 - 1 अगर हम करें तो 1 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम चेक करते हैं, 3 - 2 करेंगे तो दोस्तों 1 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर सब जगह डिफरेंस क्या है दोस्तों, अंतर क्या है 1 का, यानी कि सार्वान्तर यहाँ पर बराबर है। तो दोस्तों हम फार्मूला यूज कर सकते हैं वाला टी एन वाला भी और एल वाला भी। दोस्तों हमें पदों की संख्या नहीं पता है दोस्तों, पदों की संख्या 60 तक तो है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से दिया हो बीच में से कहीं पर, जैसे इस वाले में दिया है 21 से 22 से स्टार्ट किया, इसमें हम तो गिनकर नहीं कर सकते हैं, हमें ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें पता है एन बराबर 60 दिया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं 1 2 3 से लेकर 60 तक की गिनती है, तो आप एन बराबर 60 कर सकते हैं दोस्तों, एन बराबर 60। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एस एन योग ज्ञात करना है। योग बराबर क्या होता है दोस्तों, एस एन बराबर होता है दोस्तों एन बाई टू इंटू एल प्लस ए, ठीक है दोस्तों। तो एन बाई टू का मतलब 60/2 और एल का मतलब 60+1 61, यानी कि दोस्तों 30 × 61, और इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा इतना दोस्तों, 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग दोस्तों कितना होता है, 1830 होता है दोस्तों, ठीक है। कितना होता है दोस्तों, 1830। तो पहला क्वेश्चन हमारा आंसर मिल जाएगा 1830, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 21, 22, 23 और .75 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आसानी से। तो दोस्तों इसमें हमें सार्वान्तर देखिए पता करेंगे सार्वान्तर, देखिए 22 - 21 करेंगे दोस्तों कितना आ रहा है 1, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 23 - 22 करेंगे कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, यानी कि सार्वान्तर समान है दोस्तों, ठीक है, सार्वान्तर समान है। तो इसका मतलब हम उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, और एन बराबर हमें पता करना है, एन की वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है दोस्तों, एन की वैल्यू हमें पता करना है। अगर हम एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करें दोस्तों, तो एल बराबर क्या है 75 है दोस्तों, लास्ट पद एल है 75, ठीक है दोस्तों, और ए बराबर दोस्तों 21 है, ठीक है दोस्तों, और एन माइनस वन और सार्वान्तर क्या है दोस्तों 1 है। यहाँ से दोस्तों अगर हम एन की वैल्यू निकालें दोस्तों आ जाएगा 55, आप निकाल कर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम निकालें तो देखिए 70 - 21 कर देंगे, 21 इधर चला जाएगा दोस्तों, और बचेगा इधर कितना, एन माइनस वन बचेगा दोस्तों, इधर एन माइनस वन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 54 = n-1 दोस्तों, 1 इधर आ जाएगा तो 55 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने 55 लिख दिया था पहले ही। अब दोस्तों क्या ज्ञात करना है, हमें योग ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर दोस्तों आपको बताया मैंने एन बाई टू इंटू एल प्लस ए होता है दोस्तों, एल प्लस ए होता है। तो आप रखिए एन की वैल्यू 55 है दोस्तों, 55 बाई टू, एल की वैल्यू दोस्तों कितना है, एल की वैल्यू दोस्तों है 75 प्लस ए, ए की वैल्यू दोस्तों कितना है 21 है, ठीक है दोस्तों। आप इसे सॉल्व करिए, 55 इंटू दोस्तों ये कितना हो जाएगा 96/2 दोस्तों, 96/2 कितना हो जाएगा 48। तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 2640, ठीक है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 2640 मिल जाएगा दोस्तों। तो अब हमारा यह आंसर है, ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 2640, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यह है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8। आप इसका डिफरेंस पहले देखिए दोस्तों, 2 का है यहाँ पर भी, 2 का है यहाँ पर भी, 2 का है, यानी कि हम कह सकते हैं डी बराबर 2 दोस्तों। आप डायरेक्ट डी का मान निकाल सकते हैं, और जब डी का मान निकल गया दोस्तों, अब एन का मान निकालिए दोस्तों। एन का मान कैसे निकालेंगे, हमने बताया आपको एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
एल बराबर दोस्तों क्या है, एल बराबर है 60, यानी कि लास्ट टर्म क्या है दोस्तों, एल होता है एल बराबर 60 बराबर ए। ए का मान दोस्तों पहला टर्म ए होता है दोस्तों, पहला टर्म ए होता है, तो ए बराबर 2 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू दोस्तों 2 है। ठीक है, 2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें दोस्तों, 2 कॉमन लेकर भाग दे दें दोनों पक्षों में, यहाँ पर 30 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस एन माइनस 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे ओपन करेंगे दोस्तों, एक एक से कट जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू दोस्तों 30 आ जाएगी। ठीक है, एन बराबर 30 आ गया। अब दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, जब एन की वैल्यू हमें पता हो गई, डी की वैल्यू पता हो गई, हमें दोस्तों ज्ञात करना है एस एन, यानी कि योग ज्ञात करना है। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू एल प्लस ए इंटू एल प्लस ए। एस एन की वैल्यू 30 बट्टे 2, एल का मतलब 60 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से काटेंगे 15 और दोस्तों 62 गुड़े 15 दोस्तों आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 90 3 93 दोस्तों आ जाएगा 930 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, 930 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 28 दोस्तों 28 30, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी दोस्तों 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों, 80 है। लास्ट संख्या क्या है दोस्तों, 80 है दोस्तों, और इसे एल कहते हैं। एन बराबर हमें पता प्राप्त करना है दोस्तों, तो एल बराबर होता है दोस्तों, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, एल का मान दोस्तों कितना है, 80 बराबर ए यानी कि 28 प्लस एन का वैल्यू ज्ञात करना है माइनस 1, और डी का मतलब 2। अगर दोस्तों यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहाँ पर 14 बचेगा और यहाँ पर 1, यानी और 2 कॉमन लेकर इसमें भाग दे देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 40 बच जाएगा बराबर 14 प्लस एन माइनस 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और 14 को इधर लेकर आएंगे दोस्तों, 14 को जब इधर लेकर जाएंगे तो 40 माइनस 14 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 26 बचेगा बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 27। ठीक है दोस्तों, एन बराबर 27 हो जाएगा, क्योंकि एक जो है माइनस इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हमें याद करना है दोस्तों हमें एस एन, यानी कि संख्याओं का योग याद करना है। एस एन बराबर हो जाएगा दोस्तों, एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई 2 इंटू एल प्लस ए। ठीक है दोस्तों, तो एन की वैल्यू 27 बाई 2 प्लस एल का मतलब 80 प्लस 28 दोस्तों, इसे जोड़ेंगे 108 आ जाएगा, और जब 108 को हम दोस्तों काटेंगे, 108 को अगर हम काटेंगे दोस्तों तो 54 बढ़ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, दोस्तों आ जाएगा 1458 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 1458, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है 3 1 3 5 7, यानी कि दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, दो दो का डिफरेंस है दोस्तों, दो दो का डिफरेंस है, यानी कि हमारा डी क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया, यानी कि हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं। जब डी 2 हो गया दोस्तों, लास्ट डिजिट एल है लास्ट डिजिट दोस्तों, और हमें एन की वैल्यू पता करनी है, तो एन की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, जब इतना हो गया तो अब हम एल का मान रख देते हैं दोस्तों, एन एल की बराबर 69, ए बराबर 1 प्लस ए की वैल्यू दोस्तों 1 है, पहला टर्म होता है एन माइनस 1, और डी की वैल्यू दोस्तों 2 है, देखिए 2 का डिफरेंस है दोस्तों। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 69 इधर जाएगा, 1 जाएगा इधर, तो हो जाएगा 68 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, 2 का भाग देंगे तो यह हो जाएगा 34, तो यहाँ से दोस्तों 34 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा, जब इधर आएगा एन बराबर हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, 35 हो गया, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब इसे हम सॉल्व करेंगे एस एन बराबर फार्मूले से, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू एल प्लस ए होता है दोस्तों, इसे रखकर सॉल्व करेंगे तो 35 बट्टा 2, और एल की वैल्यू दोस्तों कितना है, 69 प्लस ए की वैल्यू दोस्तों 1, यानी कि हो जाएगा 70, और 70 से जब हम काटेंगे 35 आ जाएगा, और 35 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, देखिए 35 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 12 दोस्तों,
यानी कि 1225 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट और तरीके समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और अगले वाले सेशन में हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।